इस महिला का नाम था इल्से कोच। इसको वर्ल्ड वॉर टू की सबसे खतरनाक महिलाओं में शामिल किया जाता है। इल्से का जन्म 22 सितंबर 1906 को जर्मनी के ड्रेसडेन में हुआ था। वैसे तो इस महिला के पास जर्मनी का कोई भी सरकारी पद नहीं था, लेकिन इसके पति ऑटो कोच बुचेनवाल्ड के यातना शिविर के हेड थे। इसीलिए इल्से कोच हर रोज यातना शिविर जाया करती थी और वहाँ से ऐसे कैदियों को खोजती थी जिनके शरीर पर टैटू बने होते थे, और जब ऐसा कैदी मिल जाता तो उसकी हत्या करवा देती और बाद में कैदी के टैटू वाले को कटवा देती और उनसे सजावटी सामान बनाती। अपने पति के ऊंचे पद का इस महिला ने भरपूर फायदा उठाया और बहुत से कैदियों की हत्या करवा दी। ये जो सामान आप देख रहे हो, ये सभी इल्से कोच ने ही बनाया है, वो भी कैदियों के पार्ट से। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो बाद में इल्से कोच को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वैसे इल्से कोच ने 1 सितंबर 1967 को जेल में ही आत्महत्या कर ली। इसने बहुत से कैदियों की हत्या करवा दी बस अपना शौक पूरा करने के लिए, और इसीलिए इल्से कोच को विच ऑफ बुचेनवाल्ड भी कहा जाता है। नंबर 2, इस आदमी का नाम था स्टीफन ब्रोबोस्की। इसका जन्म 1890 को पोलैंड में हुआ था। स्टीफन की मां का नाम था बेनेडेटा। जन्म के वक्त स्टीफन के शरीर पर बहुत बड़े बाल थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि स्टीफन की मां को लगता था कि उनका बेटा किसी और वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि जब बेनेडेटा गर्भवती थी तो उस समय इनके पति माइकल पर एक शेर ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से माइकल की मृत्यु हो गई थी। जब शेर ने माइकल पर हमला किया था तो उस समय बेनेडेटा उसे देख रही थी, इसीलिए बेनेडेटा को लगता था कि इसी वजह से उसके बेटे की ऐसी हालत हुई। वैसे ये स्टीफन की मां का अंधविश्वास था, क्योंकि स्टीफन को एक कंडीशन थी जिसको हाइपरट्रिचोसिस कहा जाता है। स्टीफन जब 4 साल का हुआ तो उसकी मां बेनेडेटा ने उसे एक सर्कस वाले को दे दिया था। क्योंकि स्टीफन सभी बच्चों से अलग दिखता था, इसीलिए उस सर्कस वाले ने स्टीफन का पोलैंड में प्रदर्शन करवाया और कुछ ही दिनों में स्टीफन काफ़ी फेमस भी हो चुका था। वक्त के साथ स्टीफन के चेहरे के बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, जिनकी वजह से इनका चेहरा दूर से एक शेर की तरह दिखता था, और इसी वजह से बाद में स्टीफन का नाम पड़ा द लाइन फेसमैन। 1934 में 41 साल की उम्र में स्टीफन की बर्लिन में मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, इस महिला का नाम था जोसफिन ग्रिडेली। ये इंग्लैंड की रहने वाली थी और वहाँ सर्कस में काम किया करती थी। 1816 को ग्रिडेली ने पहली बार सर्कस में परफॉर्म किया और पहली बार में ही पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गई थी। दरअसल ग्रिडेली अपने हाथ को आग में डाल देती थी और किसी भी गर्म चीज पर खड़ी हो जाती थी। इस महिला को देखकर ऐसा लगता था जैसे आग से इस महिला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे कि वो अपने मुंह में पिघलता हुआ मोम डाल देती थी और कहीं बार खोलते हुए तेल में अपना हाथ भी डाल देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कुछ भी नहीं होता। ग्रिडेली के ऐसा करने की वजह से उस समय साइंटिस्ट भी हैरान हो चुके थे। कहीं लोगों को तो ये लगता था कि ग्रिडेली के पास कोई शक्ति है जिसकी वजह से आग उसके शरीर पर असर नहीं करती। इस महिला ने कई सालों तक इंग्लैंड के लोगों को हैरान करके रखा। वैसे ग्रिडेली नाम की यह महिला ये सब करतब कैसे कर लेती थी, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। नंबर 4, एलन नाइट नाम का ये आदमी यूके के वेल्स में रहता था। 2011 की बात है, एलन ने एक आदमी के साथ फ्रॉड किया। वो आदमी एलन के पड़ोस में रहता था। एलन ने उस आदमी के खाते से 40,000 पाउंड्स निकाल दिए। वैसे बाद में इस बात का पता चल गया था और उस बुजुर्ग आदमी ने एलन के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। इधर एलन को जब डर लगने लगा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वो बीमार होने का नाटक करने लगा। यहाँ तक कि जब उसे पुलिस पकड़ने आई थी तो वो कोमा में चला गया था, और बाद में इसकी पत्नी ने बताया कि एलन का शरीर लकवाग्रस्त हो गया है।
एलन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इधर पुलिस को लगता रहा कि सच में एलन काफ़ी बीमार है, इसीलिए उसे पूछताछ नहीं की जा सकती। अब हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन 2014 में एलन का भांडा फूट जाता है। दरअसल हुआ यह था कि एलन अपनी फैमिली के साथ एक मॉल में घूमने गया था और वहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाता है। बाद में पुलिस एलन को पकड़ने जाती है, लेकिन एलन अभी भी ऐसे ही नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एलन नाइट की बीवी हेलन नाइट ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि उसके पति काफ़ी बीमार है, लेकिन फिर भी पुलिस उनके साथ जबरदस्ती करके उनको थाने ले गई है। लेकिन बाद में इन सब का कोई फायदा नहीं होता और इन दोनों पति पत्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है। वैसे एलन नाम के इस आदमी ने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किए थे, इसीलिए इस पर 19 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। बाद में कोर्ट ने एलन को 14 महीने की जेल सुनाई और इसकी बीवी को 10 महीने की। नंबर 5, एलिजाबेथ बाथोरी नाम की इस महिला को इतिहास की सबसे कुख्यात सीरियल किलर माना जाता है। इसने 1590 से लेकर 1610 के बीच 650 लड़कियों की हत्या की थी। एलिजाबेथ का जन्म 1560 को हंगरी के सबसे मशहूर परिवार बैथोरी परिवार में हुआ था। ये महिला कम उम्र की गरीब लड़कियों को निशाना बनाती थी। ये पहले उन लड़कियों को टॉर्चर किया करती थी और बाद में उनकी हत्या कर देती। 1610 के आसपास जो लड़कियां एलिजाबेथ के चुंगल से भाग गई थी, उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ को पकड़ा नहीं गया। दरअसल इसकी वजह थी बैथोरी परिवार। ये हंगरी का सबसे मशहूर और सबसे अमीर परिवार था। एलिजाबेथ को पकड़ा तो नहीं गया था और इसके खिलाफ करीब 300 लोगों ने गवाही दी थी, इसीलिए 1912 में इस महिला को चेजटे महल में कैद कर लिया गया और 1914 में एलिजाबेथ की रहस्यमय परिस्थितियों में इसी महल में मृत्यु हो गई। बाद में कई लोगों ने यह माना कि एलिजाबेथ काला जादू किया करती थी, इसीलिए उसने इतने सारे लड़कियों की हत्या की। नंबर 6, 3 फरवरी 2009 की बात है। 3 दोस्त अमेरिकी स्टेट जॉर्जिया के जंगलों में कैंपिंग करने गए थे। इन तीनों दोस्तों ने यह प्लान बनाया था कि वो एमिकरोला रिवर के पास में एक कैंप लगाएंगे और वहीं पर एक रात बिताएंगे। इन लोगों ने साथ में एक कैमरा भी लिया था और बाद में एक गाड़ी लेकर निकल गए। आप इनका ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये लोग रास्ते में रुककर अपने लिए कुछ सामान भी लेते हैं। बाद में ये लोग एमिकरोला रिवर के तट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये तीनों दोस्त वहां पर कैंप लगा देते हैं। अगले वीडियो में ये लोग आग के पास खड़े थे, सामने कैमरा रखा हुआ था, लेकिन तभी इन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है। ये तीनों उस आवाज़ को बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन बाद में वीडियो बंद हो जाता है और अगले वीडियो में देखा जाता है कि ये तीनों दोस्त भाग रहे थे। इनकी आवाज़ से ये पता चल रहा था कि ये लोग काफ़ी डरे हुए थे। इस वीडियो में एक गोली चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है और साथ में कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। अब हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस वीडियो के बाद इन लोगों को कभी देखा ही नहीं गया, यानी कि ये तीनों दोस्त एमिकरोला के तट से कहीं गायब हो गए थे और आज तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग कहाँ गए। अब कई लोगों का ये मानना है कि ये लोग एक ड्रामा कर रहे थे, लेकिन वीडियो में इन लोगों के चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, तो फिर ये लोग अपने ही लापता होने का वीडियो क्यों वायरल करेंगे। वैसे इस जंगल में जब इन लोगों को खोजा जा रहा था, तभी इन लोगों का ये कैमरा और इन लोगों का सामान इसी जंगल से मिला था। वैसे इस वीडियो को कई साल बाद में रिलीज किया गया था। अब कई लोगों को लगता है कि या तो ये वीडियो लीक हो गया था या फिर पुलिस ने ही इसे रिलीज किया है। अब ये तीनों दोस्त कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं चल पाया है। वैसे दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।